कि अगर मान लीजिए हमको एक 10 रुपए का छोटा लक्स का साबुन लेना है तो हम कहां से जाके लेते हैं? पड़ोस का दुकान से। वो बनाता है क्या? वो बेचता है। वो कहां से लाता है? होलसेलर। होलसेलर कहां से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाता है? सीएनएफ। और सीएनएफ कहां से लाता है? कंपनी से। तो इनका भी परिवार है, पैसा कमाने के लिए बैठा है ना। तो इनको 1 रुपया 50 पैसा जो भी मिल रहा है, क्या उसका कमाई उस साबुन में जोड़ा हुआ है कि नहीं जोड़ा हुआ? तो क्या वो 10 रुपए का साबुन फैक्ट्री में 10 रुपए में बनता था? नहीं, वो 2-3 रुपए तो ही बढ़ गया। आप बताइए कि ऐश्वर्या राय आती है और बोलती है मेरे सौंदर्य का राज लक्ष, बोलती है कि नहीं बोलती? बोलती। उसे पहले माधुरी बोलती थी, उसे पहले श्रीदेवी बोलती थी, उसे पहले रेखा बोलती थी, अभी आलिया भट्ट बोल रही है, कल और कोई हीरोइन दीपिका पादुकोण से पहले थी, कोई एक नया हीरोइन आएगी फिर उसको भी हटा के इसको भी ले लो। अब ये बताइए क्या ऐश्वर्या राय का नौकरानी भी लक्ष से नहाती होगी? नहीं। उसका तो बात छोड़िए, उसका नौकरानी का बात कर रहे। और हम लोग बोलते हैं अरे वाह, पर हम लोग साबुन से नहाते और आईना में 10 बार देखते। है कि नहीं? तो करोड़ों रुपए लेके झूठ बोल रही है, करोड़ों रुपए लेके। और दिन भर स्टार प्लस लगाइए तो लक्स, जी न्यूज लगाइए तो लक्स, कलर लगाइए तो लक्स, जितना चैनल सब में लक्स, फ्री में दिखा रहे हो। तो करोड़ों रुपए वो भी ले रहे, पेपर में बड़ा बड़ा एड वो भी ले रहे, लाखों रुपए बड़ा बड़ा होर्डिंग लग जा रहा वो भी ले रहे। ये करोड़ों रुपए कहां पे उनको दिया जा रहा है? उसी साबुन में जोड़ के आपके पॉकेट से निकाल के उनको दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में ट्रेडिशनल सिस्टम से जो प्रोडक्ट बेचा जाता है, 10 रुपए का प्रोडक्ट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 से 4 रुपया होता है, 6 से 7 रुपए बीच में बांट दिया जाता है। वही पे आईएमसी कंपनी आई और बोली कि हम अमीर को अमीर नहीं बनाएंगे, हमारे देश के करोड़ों लोग जो गरीब है हम उनको अमीर बनने का एक मौका देंगे। यह आईएमसी कंपनी का सोच है। तो यहां पे इस कंपनी का शाहरुख खान हम लोग हैं और ऐश्वर्या राय यहां पे। तुलसी पियो 200 बीमारी से बचो। जो ऐश्वर्या राय को पैसा जा रहा था बोलने का, आप बोलिए वही पैसे ऐश्वर्या राय का काट के आपके पास। अभी अमिताभ बच्चन आते हैं और बोलते हैं मेरे 70 साल स्वस्थ रहने का राज, एलोवेरा पिए 70 साल निरोग जिए। और हम लोग जाते हैं दुकान से एलोवेरा ला ला के पीते रहते, करोड़ों रुपया मिलता। यही काम अब आपको करना, अमिताभ बच्चन का पैसा जो मिलना था वो आपके अकाउंट में। अच्छा सिस्टम है कि नहीं? यही है डायरेक्ट सेलिंग, यही है कंपनी का सिस्टम। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे एक एलोवेरा का दाम है, एमआरपी है 375 रुपया, इसका एसोसिएट प्राइस है 290 रुपया, और इसके ऊपर कंपनी एक बिजनेस वॉल्यूम, सर थोड़ा प्लीज शांत रहे, इसका उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम कंपनी बनाया 125 रुपया। मतलब हम कंपनी को दिए 290 रुपए एलोवेरा के लिए, कंपनी उसमें से 125 रुपए निकाला, क्योंकि बीच का बिचौलिया खत्म, ऐश्वर्या राय शाहरुख खान अमिताभ बच्चन खत्म, टीवी का एड खत्म, पेपर का एड खत्म, ते पूरा पैसा बचा कि नहीं बचा? तो कितना बचाया कंपनी? अब 125 रुपया का 90% पैसा कंपनी हमारे बीच एक सिस्टम से बांट देती है। यही पैसा 24 लाख हमको महीने का आ रहा है, और सिर्फ हमको नहीं आ रहा है, मेरे टीम में भी हजारों लोगों को आ रहा है, और कल से आपको भी आ रहा है। पावरफुल सिस्टम, तो समझना चाहेंगे सिस्टम को। आइए देखते हैं ये 90% पैसा हमको कैसे मिलेगा। सबसे पहले इस कंपनी में जो जुड़ चुके हैं बहुत अच्छा, जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाएंगे। आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो दे दीजिए, आपको जिन्होंने बुलाया उनको दे दीजिए, 1 मिनट में आपका आईडी लगा देंगे। आईडी लगाएंगे तो पहला बेनिफिट, तुलसी लेना है तो डिस्काउंट, पेस्ट लेना है तो डिस्काउंट, साबुन लेना है तो डिस्काउंट, एलोवेरा लेना है तो डिस्काउंट, सब डिस्काउंट, पहला ही फायदा डिस्काउंट। अब आप एलो डाइजेस्ट पिए, आपको गैस का प्रॉब्लम था, 4 दिन में अच्छा लग गया, तो पड़ोस को जाके बताइए, पड़ोसी को, भैया आईएमसी का एलो डाइजेस्ट इतना बढ़िया, 10 साल से 5 साल से 2 साल से गैस का इतना मुझे प्रॉब्लम था, 4 दिन में मेरा प्रॉब्लम खत्म। तो मैडम आप जाके बोलिए 500 रुपए का इलाज करा के मेरा वो गया नहीं था, और 60 रुपए का साबुन मेरा सारा चला गया। ऐसा है क्या? हम लोग भी लेंगे। रुको 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 रुको, ऐसे जाओगे तो 60 का चीज ना 75 में मिलेगा, तुमको एक कार्ड बना देते हैं, 75 का चीज तुमको 60 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, बना दीजिए उसका कार्ड। ऐसे 4-5 लोगों को आईएमसी बता दीजिए, मुश्किल बात है? नहीं। 4-5 लोग भरोसा करते हैं आपके ऊपर? वो भरोसेमंद को बताइए आईएमसी, उसको ज्वाइन करा दीजिए। और ये बताने का काम हम लोग करते हैं कि नहीं करते? आज मैं
पंचदेवरी में आया हूँ, मेरा जूता फट गया और मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बताओ कहाँ पे एक जूता लेना है, आप कोई दुकान का नाम बताएंगे जो आपको अच्छा लगता है। मैं गया 2000 का जूता लिया, कौन कमाया? आपको क्या मिला? मैं बोलूंगा कौन स्कूल अच्छा बताएंगे, फलना स्कूल में अपने बच्चे को डाल दीजिए, कौन कमाया? मेरा तबियत खराब हुआ, कौन डॉक्टर को दिखाऊं, मेरा दांत में दर्द है, डॉक्टर साहब उधर बैठे हुए। कितना आप पेशेंट भेज दिए होंगे, बोले होंगे डॉक्टर साहब मैं 10 पेशेंट भेज दिया, मेरा दांत में दर्द, थोड़ा तो डिस्काउंट दीजिए, मेरा तो फ्री कर दिए। देंगे नहीं? सर बुरा नहीं मानेगा, मैं एग्जांपल का बात कर रहा हूं। देंगे सर, फलना रेस्टोरेंट अच्छा, फलना हॉस्पिटल अच्छा, फलना स्कूल अच्छा, फलना मॉल अच्छा, फलना दुकान अच्छा, फलना ट्यूशन मास्टर अच्छा, हम तो अच्छा 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 बोल के सबका बिजनेस बढ़ा रहे, बदले में क्या मिल रहा है? बाहुबली फिल्म देख के आते 10 दोस्त को बता रहे आज तक गजब का ऐसा फिल्म नहीं बना, 10 दोस्त जाके देता, अगली बार वही डायरेक्टर फिल्म बनाएगा आपको एक टिकट फ्री देगा। आज से वो अच्छा बोलने का काम अपने लिए करेंगे, यहाँ पे आईएमसी में अच्छा बोलेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आईएमसी का तुलसी अच्छा, आईएमसी का एलोवेरा अच्छा, आईएमसी का साबुन अच्छा, आईएमसी का पेस्ट अच्छा, और अच्छा तब बोलिए जब इसको घर में इस्तेमाल करके आपको अच्छा लगे तब बोलिए। ऐश्वर्य राय जैसा करोड़ों लेके झूठ नहीं बोल रहा, अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, अच्छा नहीं लगे तो भूल जाइए, आईएमसी को कोई जरूरत नहीं है बोलने का, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से कुछ लोग हिस्टर होंगे और कुछ लोगों को पैसा कमाना होगा तो वो भी कुछ लोगों को बताएंगे, ऐसे आपका नेटवर्क बनेगा। सारे लोग मिलके जब 1000 एक बीवी का सामान खरीद लेते हैं, कंपनी आपको 10% कमीशन आपके अकाउंट में दे देती है। आपके अच्छा बोलने से लोग प्रोडक्ट खरीदा और इनके प्रोडक्ट खरीदने से जो बीवी बना उसका 10% आपके खाते में आ गया। ना आप दुकान खोले, ना पूंजी लगाए, ना समय दिए, ना स्टाफ रखे, अच्छा बोले। 40,000 दुकान इंडिया में खुला है, बनारस में एक दोस्त है, यहीं से बोलिए फोन पे आईएमसी का प्रोडक्ट अच्छा, वहीं से आधार कार्ड मंगाइए, व्हाट्सएप में ही ज्वाइन करा दीजिए और ऑनलाइन चेक करके बताइए, 2 किलोमीटर पे आईएमसी का दुकान में जाके खरीदो, वहां वो खरीदेगा, पंचदेवरी के SBI के अकाउंट में आपका पैसा। समझ में आया सर? पावन क्या पावर है? अच्छा बोलना है, अकाउंट में पैसा, और हम बोल रहे बचपन से आज तक, दूसरे के अकाउंट में पैसा अकाउंट में। तो इसी तरह से आप मान लीजिए कि मैडम को एक साबुन बताए सर अच्छा लग गया, तो अगली बार मैडम आएंगे के पास, पांडे जी आप दूसरा साबुन ले कि नहीं ले? नहीं आएंगे, उनको पता है कहां मिलता है, वहीं पे कार्ड बना हुआ, आईडी बना हुआ, जाकर दोबारा साबुन ले। एक बार अच्छा बोले और वो जिंदगी भर वही साबुन, जिंदगी भर इनके अकाउंट में पैसा, उनके अकाउंट में पैसा। तो ये पुराना लोग जो है वो रीपर्चेस करेंगे और नया लोग और लोगों को ज्वाइन करेंगे। यस कि नो? यस। तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा तो 7501 बीबी होगा, अब आपका लेवल 20%। इसी तरह से 25001 बीबी होगा तो 25%, 60001 बीबी होगा तो 30%, और 101 बीबी होगा तो 35%, और यहां पे आप इस कंपनी का बन जाते हैं सुपरस्टार। आपका काम खत्म। ऐसे हमको सुपरस्टार बनना है तो कहां जाना पड़ेगा? मुंबई। बंबई पंचदेवरी में बैठ के आप आईएमसी का सुपरस्टार बन रहे, सोचिए। कभी भी नो टाइम लिमिट, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कभी भी 1 लाख बिजनेस आपके टीम में हो जाता है, लोग खरीद रहे हैं, आपका हो गया सुपरस्टार। अब आपका काम खत्म। अब आपका काम जिन लोगों को इस बिजनेस में लाए उनको हेल्प करिए, उनको सुपरस्टार बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अमरेश सर को मैं लेके आया, ज्वाइन कराया, अमरेश सर पांडे जी को ज्वाइन कराए और पांडे जी पंचदेवरी का हॉल भर दिए। 3 महीने के बाद 1000 लोग आएंगे इसी पंचदेवरी में आपके माध्यम से। रांची में भी हम लोग किए थे, 15,000 लोग ओपन ग्राउंड में करना पड़ा था, कोई हॉल ही नहीं मिला 15,000 लोग, ओपन ग्राउंड में करना पड़ा। ये 3 महीने के बाद पंचदेवरी में दिखेगा। पिछले बार कितने लोग थे पांडे जी जब सर आए थे? तो सर आए थे 20-25। 20-25, आज दुगना तीन गुना है कि नहीं आपके हॉल में? क्योंकि हर मीटिंग में आप भी 5-5 लोगों को लाके अपने अड़ोस पड़ोस में बैठा देंगे, फिर ये हॉल में आदमी अटेगा नहीं। अगली बार आप चेक कर लीजिए 500 वाला हॉल किधर है, फील्ड है सर। आपके टीम से 10-10, 20-20 लोग बैठेंगे अगले मीटिंग, ऐसे ये बिजनेस चलता है।
अब आपका काम क्या है कि जैसे मैं पांडे जी को सपोर्ट करने के लिए आया, पांडे जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप सुपर स्टार बन गए, इन लोगों को सपोर्ट करिए। ये अभी बिजनेस में नया है, प्रोडक्ट यूज किया नहीं, उसको कुछ पता है नहीं, वो लोगों से मिलाएगा आप भाई उनसे बताइए। तो जब आपके टीम में एक आदमी सुपर स्टार बन जाता है और बाकी लोगों से 20,000 बीबी होता है, तो आप इस कंपनी का सिल्वर स्टार बन जाते हैं। सुपर स्टार से क्या बन गए? सिल्वर स्टार। अब आप बोलेंगे कि सिल्वर स्टार बनने से क्या होगा, तो सिल्वर स्टार बनने से लगभग 10,000 से 15,000 रुपया महीने का इनकम एक सिल्वर स्टार आईएमसी कंपनी में कमाता है। ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, इसलिए मैं फाइनल नहीं बता सकता हूँ कि कितना आएगा। एक ऑन एवरेज मिनिमम फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे भी सिल्वर है जो 50,000, 60,000, 1,00,000 भी कमा गए, लेकिन ज्यादा बोल के कम आए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कम बोल के ज्यादा आ जाए तो आपको मजा आ जाएगा। एक सिल्वर का इनकम यहाँ से लगभग 10,000 से 15,000 रुपया महीना कमाता है। अब मान लेते एक सुपर स्टार था, ये भी सुपर स्टार बन गया, कितना सुपर स्टार हुआ? कुछ दिन बाद वो भी हो जाएगा और साइड से 20,000 बीबी होता है, तो आप यहाँ पे गोल्ड स्टार बन जाते हैं। और ये गोल्ड स्टार में मोटा मोटी आपका इनकम 20-25 लाख रुपया आना चाहिए। एक बैंक का क्लर्क में जिसको जॉब लगता है उसका सैलरी इतना ही होता है। मैं आपको बताऊं, मैं दूसरे ही महीना इस कंपनी का गोल्ड स्टार बना था, 25,215 रुपया है दूसरा ही महीना। और इसी तरह से ये एक सुपर स्टार था, दो था, अब धीरे धीरे ये तीसरा भी सुपर स्टार बना। अब 20,000 करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रूबी बनते हैं, यहाँ पे इनकम आपका 30-40,000 रुपया हो जाता है। और इसी तरह से जब आपके नीचे 1, 2, 3 हो चुका था, चौथा भी सुपर स्टार बना, तो आप यहाँ पे डायमंड हो गए और डायमंड में आपका इनकम 50,000 प्लस। एक ग्रेजुएटेड ऑफिसर बोल सकते हैं या फिर बैंक का जो मैनेजर या पीओ होता है उसके इक्विवेलेंट पैसा यहाँ पे कमाते हैं। तभी उस मैनेजर को रोज 30 दिन ऑफिस जाना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है, या 5 दिन नहीं भी गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं है। और जब आपके नीचे ये पांचों लोग 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा भी सुपर स्टार बनता है, तो आप इस कंपनी का चेयरमैन बनते हैं, जो दीपक पांडे जी आपके बीच बैठे हुए हैं। और चेयरमैन का मतलब 1,00,000 रुपया महीना कम से कम। क्या पांडे जी? सर 1,00,000 रुपया कम से कम महीने का इनकम से कम से कम। जब मैं चेयरमैन बना था 10वें महीना में, मेरा इनकम 2,84,692 रुपया था। और इसके बाद अंबेसडर, क्राउन अंबेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट तक का लेवल है जो लेवल में आज मैं हूं। यहां पे लिखा हुआ है क्राउन प्रेसिडेंट का मतलब 10,00,000 रुपया प्लस इनकम महीने का। वाली बात में बिलीव नहीं होता। आज मैं जितना बात बता रहा हूँ सर आप लोगों को, और समय आप निकाल के, लगन का समय है, उसके बावजूद इतना आप लोग खाने का भी समय हुआ लेकिन भूखे प्यासे बैठे हैं, तो आज बिलीव करके जाना है, डाउट में नहीं जाना है। मैं जितना बात बता रहा हूँ, जो भी चीज में आपको डाउट लगे ना, इस मीटिंग के बाद मेरे से पर्सनल मिलना है। मैं जो इनकम बता रहा हूँ, जो लोग बता रहा हूँ, जो चीज बता रहा हूँ ना, आज यहाँ से देख के जाना है, हर चीज चेक करके जाना है। लेकिन आज 100% विश्वास, और यहाँ पे ना टाइम पास के लिए काम नहीं करना, करियर बनाने के लिए काम करना है, फ्यूचर बनाने के लिए काम करना, सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है, आने वाले जेनरेशन का जिंदगी बदलने के लिए काम करना। मैं जब क्लास 9th में पढ़ता था, मेरे पिताजी अखबार बेचा करते थे, उनको पैलेसिस हो गया, हम 4 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ा था, माँ पढ़ी लिखी नहीं है। अब मेरे पिताजी जिनके कमाई से मेरा घर चलता था वो बिस्तर में चले गए, तो हम लोग रोड पे आ गए। बहुत प्रयास करने के बाद जब मुझे कोई काम नहीं मिला, तो वही पिताजी का साइकिल उठा के मैं भी पेपर बेचने का काम किया। 12 साल साइकिल से घर घर लोगों को पेपर पहुंचाने का काम किया, और साथ में पढ़ाई लिखाई करके जैसे तैसे ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएट हुआ और उसके कुछ दिन के बाद, चूंकि मैं घर का बड़ा लड़का था, मेरी शादी हो गई, शादी हुई तो परिवार बढ़ा लेकिन इनकम अब भी कम। तो कभी भी जरूरत में क्या होता था, इनकम कम होता और जरूरत बड़ा होता है, तो कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ता है 2-5,000 रुपया रिश्तेदार दोस्त से। वो मेरी जिंदगी में सिलसिला चालू हो गया। तब तक मेरा मंझला भाई बड़ा हुआ, मैं बोला भाई एक इनकम से काम नहीं चलेगा, अब एक काम करो, वो पढ़ने में ठीक नहीं था, इंटर पढ़ के काम छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। मैं बोला पेपर वाला तुम संभालो, और मैं जाके एयरसेल कंपनी में नौकरी ज्वाइन किया, 8,228 रुपया। रांची जैसा शहर जहां पे सब चीज खरीद के आपको मेंटेन करना है, मेरी एक बहन का शादी नहीं हुआ था, उसका शादी भी करना है, ऊपर पैसा सेविंग तो छोड़ दीजिए, ऊपर से मेरा खर्च
8,000 रुपया कमा के घर नहीं चल रहा था। 2.5 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं वोडाफोन कंपनी ज्वाइन किया, वहां पे 13,500 रुपया मिलना चालू हो गया। 1.5 साल नौकरी किया वोडाफोन में और एक दिन बैठ के हिसाब लगाया तो मेरे ऊपर टोटल कर्ज 2.5 लाख रुपया हो चुका। मैं सोचा 13,500 से घर नहीं चल रहा है और ये 2.5 लाख रुपये का कर्ज मेरा उतरेगा कैसे। और हमेशा भगवान से मांगता था, भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ, कोई तो अपॉर्चुनिटी दो, कोई तो ऐसा मौका दिखाओ कि मैं भी अमीर बन सकूं। सपने मेरे पास भी बचपन से थे, सपने तो छोड़िए, जरूरत पूरा नहीं हो पा रहा, घर के खर्चे नहीं चल पा रहे थे, कर्जे बढ़ते जा रहे थे। और उसी बीच आप ही के बिहार से, बिहार में एक जिला है मुंगेर जिला, वहां के एक जबरदस्त एक डायनेमिक व्यक्ति, मैं शख्स नहीं शख्सियत बोलूंगा, मेरे ग्रेट अप्लाइज मिस्टर मनोज कुमार सिंह का नाम एक जोदार था। ट्रेन में रुमाल मोजा बेचा करते थे, 3 महीना पहले आईएमसी में जुड़े थे उस समय और रांची आए हुए थे किसी को आईएमसी बताने के लिए और मैं वोडाफोन बताने के लिए उसी होटल में पहुंचा हुआ था। सहयोग से उनकी उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो आईएमसी लोगों को बता रहे थे, मैं भी सुन लिया, मुझे अच्छा लगा। और वो ये दिखा रहे थे कि 3 महीने में 19,000 रुपया कमा रहा हूँ महीने का। 19,000 देख के मैं मोटिवेट नहीं हुआ क्योंकि मुंगेर से रांची और टाटा कहाँ कहाँ घूम रहे थे, मैं अपने घर में रह के अपने घर में खा के और 13,500 कमा रहा था। लेकिन मैं मोटिवेट हुआ उनके जो अप्लाई आप ही के गोरखपुर से हैं, सॉरी गोपालगंज से हैं, मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी, उनके लिए एक जोरदार तालियां। उनका लगभग 1.5-2 साल हुआ था आईएमसी में, अब 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे। और कई लोगों के बारे में बताए कि जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं आज लाखों में इनकम ले रहे हैं। मैं मेरे मन में एक ही विचार आया, लाखों को मारो बोली, अगर 10,000 भी संजय साहू तुमको महीने का आना चालू हो गया ना तो अगले 2 साल में तेरा 2.5 लाख का कर्ज उतर जाएगा। मेरा ये रीजन था इस आईएमसी में आने का, 13,500 से जैसे तैसे घर चलता है, 10,000 अगर मैं आईएमसी से एक्स्ट्रा कमा लूं तो अगले 2 साल में 2.5 लाख का कर्ज मेरा उतर जाएगा। और ये माइंडसेट से मैं आईएमसी में ज्वाइन किया। जब मैं आईएमसी में जुड़ा तो पूरे झारखंड में एक दुकान नहीं, 50-60 प्रोडक्ट हुआ करता था, कोई मीटिंग नहीं होता था, कोई अचीवर नहीं था, कोई पैसा कमाता नहीं था, कोई माहौल नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं लोगों के पास जाता था, लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, ना बोलते थे। अरे आज ना मैं 1,00,000 रुपया कमा रहा हूं, तब तो नहीं कमा रहा था, तो मुझे देख के थोड़े लोग जुड़ जाते। बहुत मुश्किल के साथ, बहुत भरोसा दिला दिला के जैसे तैसे लोगों को जोड़ना चालू किया। पहला महीना मुझे 1,029 रुपया आया, दुकान नहीं था। मुझे एक बात समझ में आया कि अगर दुकान यहां नहीं खुलेगा तो लोग तो जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट कहां से खरीदेंगे। तो लोगों के पास जाता था, एक मेरा दोस्त था, उसके पिताजी रिटायर हुए थे, मैं जाके बोला अंकल इसका एक ले लीजिए ना आउटलेट, 1,00,000 रुपये में तब मिलता था, 30,000 में मिलता है। वो बोले कि मैं तो ले लूंगा लेकिन एक काम करो, तेरा मालिक को फोन लगाओ और बोलो कि मेरा लुधियाना आने जाने का टिकट बनाए, तुम्हारा कंपनी देखूंगा, फैक्ट्री देखूंगा, उसे मिलूंगा, उसके बाद सोचूंगा। मैं इतना दिन से कर रहा हूं, मैं आज तक लुधियाना नहीं किया, कौन एमडी है उसका नंबर नहीं है मेरे पास। कई लोगों से मिला, सब लोग मना कर दिए, कोई बोला फैक्ट्री दिखाओ, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। लास्ट में मैंने अपनी वाइफ से बात किया, उसका जो ज्वेलरी था मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखा, 53,000 लोन उठाया और उससे मैं 50,000 का माल पहली बार बेगूसराय से राशि बनाया। जितने लोग जुड़े उन लोगों को प्रोडक्ट देना चालू किया और ऐसे कर करके काम किया। और सेकेंड मंथ में मैं रांची में उसी अंकल के पास गया, एक दिन मेरा मूड खराब हुआ, एक चेक फाड़ा अपना 2 लाख रुपए का, भरा 2 लाख, अंकल के पास सामने कॉन्फिडेंस से बैठा, क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल चुका था, लोग जुड़ रहे थे, काम करने मजा आ रहा था और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कर्जा से बाहर आने का। मैं बोला अंकल अब 2 लाख का माल मंगाइए, अगर आपका पैसा डूबेगा तो संजय साहू गारंटी में लीजिए 2 लाख का चेक। डर तो बहुत लग रहा था, 2.5 लाख पहले से था, सही में प्रोडक्ट नहीं आता था और 2 लाख रुपया। अब उसको पता था, ये तो अच्छा खासा नौकरी करता है, सीधा साधा लड़का उसको थोड़ी पता इतना बड़ा भिखारी है 2.5 लाख का खर्चा पहले से। पता नहीं उस दिन मेरा काम बन गया, उनको क्या समझ में आया, इतना कॉन्फिडेंस से 2 लाख का चेक गारंटी में, अच्छा रखो बेटा कोई बात नहीं ऑर्डर दे देते। अगले महीना 2 लाख का माल पहुंच गया, ऑर्डर दे दिए, कंपनी से फोन आया, ट्रांसपोर्ट से भेजे कि ट्रेन से, बोले ट्रांसपोर्ट से कितना दिन, बोला 11-12 दिन, ट्रेन से कितना, 3 दिन, ट्रेन में चोरी होगा तो मेरा रिस्क नहीं, भेजो ट्रेन से। ट्रेन से माल आया धुआंधार, अगले 3रा महीना काम किया और इस कंपनी का मैं गोल्ड स्टार बना, 2 सुपर स्टार मेरा बन चुका, शैलेश साहू और ठाकुर प्रसाद सिंह। और साइड में उस समय 25,000 करना था, 25,000 करके मैं गोल्ड स्टार बना और मेरा चेक आया 25,215 रुपया पार्ट टाइम काम करके। रात भर मुझे नींद नहीं आया, एक ही बात दिमाग में चल रहा है, 4 साल से नौकरी कर रहा हूं, 8,000 से चालू किया, 13,500 में पहुंचा, कितना बढ़ा, और 5 साल नौकरी करूंगा तो कितना बढ़ जाएगा। और ये पार्ट टाइम में करके अगर 25,000, जहां फुल टाइम कर रहा हूं 13,500, पार्ट टाइम में 25,000, क्या करना चाहिए। सुबह होते होते एक डिसीजन कि अब नौकरी नहीं करना, फुल टाइम आईएमसी करना। तो
वाइफ को बताना पड़ेगा, वाइफ को बोला कि भाई ऐसा ऐसा है। बोले सुबह सुबह ज्यादा पगलाइए मत, इतना अच्छा नौकरी आ रहा है, आईएमसी से भी आ रहा है, इनकम बड़ा करना, देखो तीसरा ढूंढ लीजिए जहां से आ रहा है उसको बंद करने का सोच रहे। पहले भैंस के आगे बीन मत बजाओ, कुछ नहीं बोला, जाके 4 मार्च 2015 को रिजाइन कर फुल फ्लेजर काम किया, और 3 महीना 5 महीना के अंदर मैं रूबी स्टार बना। मेरा चेक था 86,000 10 महीना के अंदर चेयरमैन बना, जो 1,00,000 आपको बोल रहा हूँ, मुझे 2,84,692 रुपया अभी भी मेरे मोबाइल में सब कुछ मिल जाएगा। एस्पेशस के घर में रहता था, बगल में एक मिट्टी का घर मेरा पड़ा हुआ था, उसको तोड़ के मेरा भाई को बोला बिल्डिंग खड़ा करो, एक तल्ला एक छत ढाल दो। जब एक छत हुआ तब तक मेरा इनकम 5-6 लाख पहुंच गया, बोला और एक छत ढालो। तब तक मेरा 8-10 लाख हो गया, बोला और एक छत ढालो। 3 तल्ला बिल्डिंग एक बार में खड़ा हो गया। अगल बगल वाले लोग पागल हो गए, बोले जो एक फर्टीचर जैसा लड़का है वो 3 तल्ला बिल्डिंग कैसे बना लिया, बहन का शादी कर लिया, खूब बढ़िया धूमधाम से। पहले वो कार खरीद लिया 7 लाख रुपए का, लोगों का नींद लगता जरूर 2 नंबर काम कर रहा है। इतना रातों रात साल 2 साल में इतना बड़ा विकास कोई कैसे कर लेगा। 2.5 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बना, 10 लाख का इनकम, सीधा किया BMW का शोरूम में, बोला भैया तेरा कार बताओ कितना का है, बोला टेस्ट ड्राइवर, बोले चलाना नहीं आता। एक ड्राइवर को लेके बोला तुम टेस्ट ड्राइव करो बताओ कैसा है, बोले बहुत अच्छा है, बोले दे दो। 50 लाख रुपए का BMW लिया, 50 लाख का जिस दिन BMW लिया, जो लोग IMC को लेके मैं जिनके पास गया था, जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, वो नजर नहीं मिला पा रहे। हम लोग रात भर खुशी के मारे नहीं सोए, और मेरे पड़ोस वाले लोग दुख के मारे। BMW मजाक वाला बात तो है नहीं, अल्टो भल्टो वेगा नार क्रेटा प्रेटा ये सब चलिए, जनरल है स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो घूमता है। BMW 2.5 साल में सिलसिला रुका नहीं, इनकम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। पहला साल में 18 लाख रुपया कमाया, दूसरा साल 57 लाख, तीसरा साल 96 लाख, चौथा साल 1.25 करोड़, पिछला 5वां साल अभी जो मार्च गुजरा 1.79 करोड़, और ये साल मेरा अभी 2.25 करोड़ पार हो चुका, 2.5 करोड़ का। अभी रिसेंटली मैं 1.5 करोड़ का घर लिया, आप लोग वीडियो देखे हैं कोई मेरा घर का? ये लोग देख चुके हैं वीडियो का, आइए अभी तो रांची आप लोग आ ही रहे हैं, आके मेरे घर पे जाके देखे। सिर्फ 53 लाख रुपए का इंटीरियर कराया हूँ, 53 लाख रुपए का बिल्डिंग खड़ा होता है 2 तल्ला। लोग बोले 53 लाख लगा दिया, अरे यार तेरे लिए 53 लाख, मेरे लिए 2 महीना। मेरे लिए कितना है? 2 महीना का इनकम, कौन सा फर्क पड़ता है, लगा दिया। 2 करोड़ का जमीन लिया, 7 करोड़ टोटल इनकम 5.5 साल में IMC से मुझे आया, 7 करोड़। विश्वास नहीं होता, 1-2 लाख समझ में आता है, विश्वास होता है, 5 साल में 1 करोड़ बोलने से समझ में आता है। इसीलिए मैं बोला जाने से पहले मेरे से मिल के जाइए, चेक करके जाइए, लेकिन आज आ गए हैं तो 100% बिलीव के साथ, क्योंकि अगला 2 साल में आपके घर में BMW खड़ा होना चाहिए। वाह, 2 साल में। आज मैं आपको बता रहा हूं, मालूम है इस बिजनेस को करने से क्या मिलेगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। आज पहले हम लोग ना जाते थे कपड़ा लेने, तो कपड़ा बाद में देखते थे, पहले टैग देखते थे। मेरी वाइफ को 30 पे लेके जाता था मैं, साढ़े भैया 1,000 का ऊपर मत दिखा। आज मेरी वाइफ रेट नहीं देखती है, साड़ी पसंद करती है और 1 लेने जाती है, 5 लेके आती। पिछला धनतेरस में हम लोग ऐसे घूमने के लिए गए थे, धनतेरस से 2 दिन पहले नेक्सा का शोरूम के सामने सियाज खड़ी थी। मेरी वाइफ बोली बहुत सुंदर दिख रहा, व्हाइट कलर लंबा गाड़ी कौन सा है, चलो देखते जाके देखे, बैठ के देखा, नहीं तो बहुत खुला खुला बहुत अच्छा लग रहा, पसंद है पसंद है। एक लड़का बुलाया, बोला भाई क्या नाम है, राजेंद्र। मैं बोला राजेंद्र कितना का है, बोला सर टॉप मॉडल 11 लाख। मैं बोला पैक कर, मैं बोला पैक कर, आज एक कार लेना रहता है, लोग 5 साल से प्लानिंग करते हैं, 5 मिनट में डिसीजन हुआ, कार लेने नहीं गए थे, कार पसंद आया वही पे बोले दे दो, पैसा इतना कमाना चाहिए। पिछले दिसंबर में पिताजी का ये हुआ, पैलेसिस का सेकेंड अटैक आया, क्लोटिंग हो गया, नस फट गया यहाँ का। अगर मैं वो वोडाफोन में नौकरी करता तो रांची का सरकारी हॉस्पिटल जो रिम्स है ना वहां ले जाकर एडमिट करता, दौड़ धूप मचाता, पैर भी लगाता, सरकारी हॉस्पिटल का पता है। मैं शहर का सबसे बढ़िया ऑर्किड हॉस्पिटल में लेके गया, वहां पे BIMC के लोग जुड़े हुए हैं। मैं बोला भैया डॉक्टर बाहर से बुलाना, बाहर से बुलाओ, कितना कहां वेंटिलेटर में रखना है, कि तुमको ICU में रखना है, कि कौन सा मेडिसिन चलाओ, सब चलाओ, मेरे पिताजी ठीक होना चाहिए। 11 दिन में 2.5 लाख का बिल बनाया, और चलता हुआ मेरे पिताजी हमको वापस किए वो लोग हॉस्पिटल, और चलता हुआ लेके गए।
पैसा इसलिए कमाना चाहिए कि आपका घर का कोई प्यारा सदस्य अगर बीमार हो गया ना तो सोच में नहीं आना चाहिए कि मेरे पास पैसा है कि नहीं और इलाज कहां करें, सबसे बेस्ट जगह लेके। बेटी का शादी करना है ना तो बजट भूल जाइए, सबसे बेस्ट लड़का ढूंढिए, इसके लिए आपको पैसा कमाना है। टाइम फ्रीडम, हर मेरे टीम में लाखों लोग हैं। अब सोचिए टाटा कंपनी क्या करता है, टाटा एक फैक्ट्री बनाया, 10,000 करोड़ लगाया, 5 साल समय दिया, टाइम मेहनत एफर्ट सब एक बार में लगाया टाटा। अब ये टाटा का फैक्ट्री बन गया और 10,000 आदमी को यहाँ पे नौकरी पे रख लिया, कोई ड्राइवर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्वीपर है, कोई मजदूर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई कुछ भी है, उसके हिसाब से उसको सैलरी दे रहा है। लेकिन ये 10,000 लोग 8 घंटा रोज काम कर रहे कि नहीं कर रहे, तो 10,000 × 8 घंटा कितना हुआ, 80,000 घंटा किसके लिए काम हो रहा है, टाटा के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और टाटा को भगवान कितना घंटा समय दिया, 24 घंटा, और आपको कितना, हमको कितना दिया, 24। अब इस 24 घंटा में हम 8-10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं और टाटा 80,000 घंटा काम करता है, इसलिए टाटा टाटा है, इसलिए हम अमीर नहीं। मेरे टीम में मान लेते 3 लाख लोग, 10% लोग एक्टिव होंगे तो 30,000 हुए, और 30,000 में कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई किसान है, 1 घंटा काम करते होंगे, तो रोज का काम 30,000 घंटा हुआ। यस, इसीलिए संजय साहू को 24 लाख आता है, क्योंकि मैं 24 घंटा में 30,000 घंटा रोज काम करता हूँ। तो अमीर बनने का फॉर्मूला, आप अपने काम करने के समय को बढ़ा लीजिए, आप अमीर बन जाएंगे। आज आप भले इस बिजनेस को 2 घंटा दीजिए, कल जिस दिन आपके टीम में 100 लोग आएंगे और 2-2 घंटा देंगे तो एक दिन में कितना घंटा काम हुआ, और भगवान कितना घंटा समय दिया, लेकिन आप कितना घंटा काम। और आज आपके घर में शादी है और 100 लोगों के घर में शादी नहीं होगा, वो लोग काम करेंगे। तीसरा, जब मेरे पिताजी बिस्तर में गए तो हम रोड में आ गए, हमारे पास कोई पारिवारिक सुरक्षा नहीं था। मैं वोडाफोन में नौकरी कर रहा था, मेरे दिमाग में एक बात चलता था हमेशा, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, इस दुनिया में मैं नहीं रहा, तो क्या वोडाफोन मेरी वाइफ को बुला के नौकरी देगा, नहीं देगा, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। आज ये डर नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज मुझे कुछ हो गया ना तो मेरा आईडी मेरी वाइफ के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा और 3 लाख लोग बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख रुपया कमा रहा है, और हर लोग अपने इनकम को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज अमरेश सर और पांडे जी जैसे और आप जैसे लोग एक ड्रीम के साथ इस कंपनी में आए, संजय साहू को अमीर बनाने के लिए नहीं आए, क्योंकि जुड़ने से पहले आप संजय साहू से पूछे थे जुड़ू की आप मेरे से प्लान देखे थे क्या, नहीं। तो जो इनकम आज मुझे आ रहा, कल मेरी वाइफ को आएगा, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, आज इस उम्र में 24 लाख रुपए महीने का इनकम का रास्ता अपने घर के लिए बना दिया, इसको बोलते पैसिव इनकम, इसको बोलते पैसिव इनकम। और हम सारे लोग एक्टिव इनकम, एक दुकान का 9 बजे शटर उठाए, 9 बजे गिराए, 12 घंटा दुकान में बैठे तो 12 घंटा का पैसा आया, कल बीमार पड़ गया शटर ही नहीं उठा पैसा आया, घर में शादी है 10 दिन शटर ही नहीं उठा पैसा आया, आज मेरे घर में शादी हो जाए 10 दिन मैं बिजी रहूंगा, मेरा आईएमसी का शटर नहीं उठेगा, 30,000 लोग रोज शटर उठाएंगे अपने ड्रीम के लिए, अपने बीएमडब्ल्यू के लिए, अपने लाखों का इनकम के लिए, अपने परिवार उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। ये बिजनेस मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, 30,000 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, और मेरे सैलरी से काम नहीं कर रहे, अपने वजह से काम कर रहे, अपने रीजन से काम कर रहे वो। और अभी पांडे जी बहुत अच्छा बात बता रहे थे, आज मेरा बेटा 7 साल का है, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपको पता है आपका बेटा 20-25 साल में क्या करेगा, मुझे पता है, मैं 24 लाख कमा रहा हूं, आज से 13 साल के बाद शायद मेरा इनकम 50 लाख 1 करोड़ रुपया इस कंपनी में होगा, जब 10-20 लाख रुपया आता होगा तो मेरा हो ही जाएगा। तो उसी दिन मैं एक एप्लीकेशन देके अपना आईडी बेटे के नाम से ट्रांसफर कराऊंगा, और जिस दिन मेरा बेटा आईएमसी में ऐसा कदम रखेगा, 10% से चालू नहीं करेगा, क्राउन प्रेसिडेंट से चालू, आईडी बेटे के नाम से ट्रांसफर कराऊंगा, और जिस दिन मेरा बेटा आईएमसी में ऐसा कदम रखेगा, 10% से चालू नहीं करेगा, क्राउन प्रेसिडेंट से चालू करेगा, और 1 करोड़ रुपए महीने का इनकम से चालू करेगा। बच्चों का लाइफ सेट हुआ कि नहीं हुआ, 7 कंट्री घूम लिया मैं आईएमसी के माध्यम से, कभी ट्रेन का एसी में नहीं बैठा था, आईएमसी से एसी में नहीं बैठा था, आज महीने में कितना आईएमसी में फ्लाइट में बैठा मुझे पता नहीं है, 7 कंट्री घूमा, स्विट्जरलैंड और लंदन टूर मेरा पेंडिंग चल रहा कोरोना के वजह से, और वो भी कपल टूर, वाइफ भी जाएगी मेरे साथ। जब मेरा शादी हुआ था तो मैं पेपर बेचता था, मेरी वाइफ का ड्रीम, कभी सोची होगी सपने में कि मैं कभी विदेश जाऊंगा, अभी मलेशिया घुमा के लाया। और ये सब कुछ मिलता है ना तो मन का शांति मिलता है। आज मैं रिटायरमेंट वाला जिंदगी जी रहा, काम करूं ना करूं लाखों रुपए, कौन बोला 60 साल तक काम करने के लिए कि 60 साल 70 साल काम करो फिर रिटायरमेंट।
अभी साल 2 साल आईएमसी में काम करना है, लाखों के इंच का मैदान है, बीएमडब्ल्यू खरीदना है, बढ़िया घर बनाना है और जीवन को एंजॉय करिए, आनंद लीजिए जीवन का, जो मन करे वो करिए, जो खरीदना है वो खरीदिए, जहां जाने का मन करे वहां जाइए, जो चीज से घर परिवार में खुशी आता वो चीज पूरा करिए। आज इस शहर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, करोड़ रुपए वो भी कमाते होंगे, लेकिन वो करोड़ रुपए कमाने का फॉर्मूला आपको नहीं देते, देते हैं नहीं। आज उनको कोई मान सम्मान नहीं है, कोई उनसे उनके सामने जाके हाथ नहीं जोड़ रहा है, लेकिन आज ये सिस्टम ऐसा है कि आज हम लोग जहां भी जाते हैं लोग सेल्फी लेते हैं, कितने सारे लोग अपने घर में फोटो टांगे हैं, सुबह आशीर्वाद लेके फील्ड में निकलते हैं, क्योंकि वो मेरे जैसा बनना था। 500, 1,000, 2,000, 5,000 का टिकट ले लेके आते हैं मेरे जैसे लोगों को सुनने के लिए, क्यों? वो मेरे जैसा बनना चाहते। यही संदेशाओं को 5 साल पहले तो कुत्ता भी नहीं पूछता था, आज तो लोग पूजा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो संदेशाओं वही है, लेकिन संदेशाओं के साथ आज एक अचीवमेंट जुड़ गया। तो लाइफ में तब आपका पूछ होना चालू होगा, तब आपको इज्जत और मान सम्मान मिलेगा, जिस दिन अपनी जिंदगी में आप अचीवमेंट जोड़ लेंगे। तो हम तो उतना पढ़ाई किए नहीं कि डॉक्टर बन जाए, हम उतना कोई पढ़ाई किए नहीं, हम उतना कोई है तो कि नहीं कि मोदी बन जाए, हम तो ऐसा दिखते नहीं है कि हम बॉलीवुड में जाके शाहरुख खान बन जाए, तो कौन मेरे पीछे पागल रहेगा? तो हम तो एक साधारण आदमी, एक नॉर्मल आदमी, एक गरीब आदमी है, और आपको एक सेलिब्रिटी जैसा जिंदगी जीना है तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए।